अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब फेसबुक चैनल। मैं इस टाइम मौजूद हूं बैरिया टाउन का जो मलिक स्क्वायर है, जो कि प्रेसिडेंट बैरिया जो मिडवे कमर्शियल एरिया है, जिसमें लिबर्टी कमर्शियल है, मिडवे कमर्शियल और बैरिया के हेड ऑफिस का जो स्क्वायर बना हुआ है, जो इन सबको अटैच करता है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरी बैक साइड पर आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं। ये मिडवे कमर्शियल ए साइड का एरिया है और 266 गज जो लिबर्टी कमर्शियल है, जो कि प्रेसिडेंट 4 के अंदर है, वो वाला एरिया। यहाँ पे आज आके चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने का ये मकसद है कि आज जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो 50 से 60% माइनस में कम रेटों में हमें मिल रहा है। मिडवे कमर्शियल के अंदर हमें जो पहले रेट 7 करोड़ रुपये का, 8 करोड़ रुपये का रेट कोड होता था 125 गज के प्लॉट का, आज वही वाला जो प्लॉट है वो हमें 3.5 से 4 करोड़ की ब्रैकेट में यहाँ पर प्लॉट 100% पोजिशन के साथ ऑन ग्राउंड और रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन हमें मिल सकता है। सेम इसी तरह से 266 गज के लिबर्टी कमर्शियल प्लॉट हैं, जो कि ऑपरेशन 4 के अंदर हैं। आप बिल्डिंग्स मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो फिनिशिंग स्टेज पे हैं लिबर्टी कमर्शियल के, उनका पोजेशन आने वाला है। जैसे बैरिया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी इम्यूनिटीज़ हैं, वो बैरिया डिलीवर कर देता है बिल्डर को और बिल्डर आगे पोजेशन देने के लिए 100% रेडी खड़ा है। ये वो वाले प्रोजेक्ट हैं जो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले 2 साल पहले इंस्टॉलमेंट के ऊपर सेल हुए थे। यहाँ पे किसी भी चीज़ का वजूद नहीं था और इवन के यहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बन के तैयार होके स्ट्रक्चर आपको जो है वो बिल्डिंग्स का नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह से मिडवे कमर्शियल है। यहाँ पे मैं चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिफाई करता चलूँ कि लिबर्टी कमर्शियल के अंदर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, जो कि ग्राउंड प्लस 8 का प्रोजेक्ट है। अगर आप डबल प्लॉट लेते हैं तो यहाँ पे ग्राउंड प्लस 10 की परमिशन है, जिसमें ग्राउंड पे आपकी शॉप्स होती हैं, शोरूम है जो आप सेल आउट कर सकते हैं या रेंट आउट भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह से मिडवे कमर्शियल का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि ये 125 गज के, इनका जो कवर्ड एरिया है वो 133 गज है। 133 गज का ये कमर्शियल प्लॉट है, जहाँ पे ग्राउंड प्लस 6 की, ग्राउंड प्लस 7 की परमिशन है और ये टोटली कमर्शियल प्रोजेक्ट है। मिडवे कमर्शियल के अंदर रेजिडेंशियल का ऑप्शन नहीं है, ये 100% जो है वो कमर्शियल का प्रोजेक्ट है, जो आप फौरी बना के रेंट आउट भी कर सकते हैं या उसे सेल आउट भी कर सकते हैं। आज बहुत ज़्यादा क्वेरीज मार्केट में चल रही है, उसकी वजूहत इस तरह से है कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बन गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं 100% कैलकुलेशन के साथ आप आते हैं, तो आपको आज जो प्लॉट की डिफरेंस अमाउंट है वो आप अपनी कंस्ट्रक्शन में अगर लेके जाते हैं, तो फिर भी आप 15 से 20 लाख प्रॉफिट के ऊपर खड़े होते हैं। प्लॉट खरीदने से लेकर पूरी बिल्डिंग बनाने तक 20 से 25 लाख रुपए आज आपको कॉस्ट कम पड़ती है प्रीवियस टाइम के साथ, अगर हम कंपेयर करते हैं। जब यहाँ पे 7 करोड़ रुपए का प्लॉट था और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो भी आपकी तकरीबन 6 से 8 करोड़ रुपया आपकी पूरी एक बिल्डिंग में मिडवे के अंदर लग रही थी। लेकिन अगर आज के हालात के साथ चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, तो जो 7 करोड़ वाला प्लॉट है वो वापस अपनी उसी प्राइस पे है, जिसपे आप कह सकते हैं लॉन्च हुआ है, या आज से कुछ 4 साल या 3 साल पहले उनके रेट से 3.5 करोड़ या 4 करोड़ का मतलब जो है वो आप प्लॉट खरीद सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो एक डिफरेंस अमाउंट नज़र आ रहा है वो 3 करोड़ से लेकर तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ का हमें डिफरेंस अमाउंट नज़र आ रहा है, जो आपकी कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट आएगी उसमें ऐड हो जाएगा। और पूरी बिल्डिंग का अगर हम कैलकुलेशन निकालते हैं बनाने के बाद प्लॉट से लेकर कंस्ट्रक्शन तक, तो हम 1 से 1.5 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर हम बिल्डिंग बनाने की हद तक खड़े हैं। और प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो फौरन आपकी बिल्डिंग रेंट आउट भी होती है, सेल आउट भी होती है। जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आप उसकी बुकिंग स्टार्ट करके फौरन यहाँ पे प्रोजेक्ट को सेल आउट भी कर सकते हैं और उसको आप बुकिंग के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। मज़ीद बैरिया टाउन के अंदर किसी भी तरह की कमर्शियल के हवाले से या रेजिडेंशियल के हवाले से आपकी क्वेरी हो, आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।